हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या फिर जो लू से जो परेशानी होती है उनके लिए फर्स्ट एड के रूप में रखे जाने वाली ऐसी तीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिनके क्या क्या सिम्टम्स हैं और ये मेडिसिन फर्स्ट एड के रूप में स्पेशली समर्स में बहुत काम आती हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप कहीं ट्रेवल पे जा रहे हैं या फिर कहीं आपने बाहर का कुछ खा लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, सन स्ट्रोक हो गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है। मेडिसिन के क्या क्या नाम हैं और मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, कौन से सिम्टम्स पे कौन सी मेडिसिन लेनी है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी की कुछ ऐसी फर्स्ट एड मेडिसिन के बारे में जो सन स्ट्रोक से, हीट स्ट्रोक से या फिर लू से बचाती है, या समर्स में जो कंप्लेंट्स होती हैं लाइक डिहाइड्रेशन हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, हेडेक होने लग जाता है, या फिर आप कहीं बाहर का कुछ आपने खा लिया तो वोमिटिंग होने लग जाती है, धूप में कहीं निकल गए तो बहुत ज़्यादा आपका सर दर्द होने लग जाता है, चक्कर आ रहे हैं आपको, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और अगर ज़्यादा गर्मी हो गई है तो आपके हीट रेसेस निकल जाते हैं। तो इन सब जो सिम्टम्स हैं इनको कवर करने के लिए कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ऐसे सिम्टम्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। जैसे आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए, आपने ट्रेवल किया, फिर आपने बाहर का कुछ खा लिया, बाहर का खाने की वजह से आपको वोमिटिंग हो गई, नोजिया हो रही है, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर आपको लूज मोशन हो गई जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, और फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको फीवर भी आ गया है, आपका बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, तो इन ये जो सारे सिम्टम्स हैं इनको कवर करने के लिए आर्सेनिक जो एल्बम मेडिसिन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम की आप 30 की डोज ले सकते हैं दिन में 3 बार। अगर आपके जो सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हैं तो आप 2-2 घंटे से भी मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। एक्यूट सिम्टम के लिए बेस्ट मेडिसिन है। आप कहीं ट्रेवलिंग में गए हैं तो आपको ये मेडिसिन ज़रूर साथ में रखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत बेटर रिलीफ मिलेगा और आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बच्चों में भी अगर लूज मोशन हो गए हैं, बाहर का कुछ खा लिया है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए। अब हम सेकंड मेडिसिन की बात करते हैं, तो मेडिसिन का नाम है ग्लोनाइनम। ग्लोनाइनम मेडिसिन भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो स्पेशली समर मेडिसिन के नाम से जानी जाती है, सन स्ट्रोक या फिर हीट स्ट्रोक के लिए बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप कहीं बाहर गए हैं, धूप में गए हैं और धूप में जाने की वजह से आपको चक्कर आ गए हैं, फिर बहुत ज़्यादा आपका हेडेक हो रहा है, हेडेक की वजह से आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, सन स्ट्रोक हो गया है, आपको हीट स्ट्रोक हो गया है, तो इसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए ग्लोनाइनम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन की आपको 30 की पोटेंसी ही लेनी है दिन में 3 बार। प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप 4 बार भी ले सकते हैं। सन स्ट्रोक की वजह से आपको फीवर आ गया है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन आप अपने पास रख सकते हैं समर के वेदर में। अब हम थर्ड मेडिसिन की बात करते हैं, तो थर्ड मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका उन सिम्टम्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जो हीट रेसेस निकल जाते हैं गर्मियों में, जिनमें काफ़ी ज़्यादा स्टिंगिंग पेन होता है, इचिंग होता है, प्लस बर्निंग होती है और रेडनेस भी रहती है, तो इसके लिए एपिस मेलिफिका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो रेडनेस है, स्टिंगिंग जो सेंसेशन होती है, जो हीट रेसेस होते हैं उनमें, जैसे बच्चों में डायपर रेसेस भी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। कई बार तो ये मेडिसिन इतना इफेक्टिवली काम करती है कि एक डोज से ही सारे जो सिम्टम्स हैं, जो रेडनेस है, जो स्टिंगिंग सेंसेशन है, वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है जो हीट रेसेस हैं उनके लिए। तो ये मेडिसिन कैसे लेनी है, ये भी आपको 30 की पोटेंसी में ही लेनी है दिन में 3 बार। अगर एक डोज में काम हो जाता है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, अगर एक डोज में काम नहीं होता है तो आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा।
ऐसे ही होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।